अकेला खड़ा होने का साहस रखो, क्योंकि यह दुनिया ज्ञान देता है, साथ नहीं। छह महीने में तैयार नहीं होते, एक साल में तैयार नहीं होते, इट टेक्स इयर्स। पांच साल तो मिनिमम है, तब सात साल, आठ साल, दस साल से लोग लगे हैं, 15 साल, उसके बाद फिजी। जिंदगी ऐसी जियो कि कभी मौत भी सामने आए ना, तो वो भी सरमाए कि मैं किस बादशाह को लेने आई। मुझे कल से किसी से पंगा लेने से मना किया है, और इस बात का मतलब है कि आज मुझसे किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं इधर किसी के भट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। झुके का नहीं। अब तो हंसी आती है जब कोई कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इजरा, सवेर तो 10 बदाम बदा के प्योने शुरू कर दो, मैनू लगता हूँ जोर पर क्या जाना है। खेल खामोशी का हो या ना हो, मगर हम खेल रहे हैं तो खतरनाक ही होगा। सुथरे पड़ा सब ताम सोरे मारी लंबी छाती काया है। अरे एक बात बताऊं लाडले, बात तो ऊपर सब मोमाया है। हर कोई ना बड़े बाप का बेटा नहीं होता, कोई कोई हमारे जैसे ही होता जो गांड घिस के आगे आते हैं। मौका है जनाब, विचार बना लो, लैलाओ को मारो गोली और अच्छे यार बना लो। तक हो रहा था, अब नहीं हो रहा। जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर मुझे याद करें, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है मुझे। दिल लगा कर मेहनत कर मेरे भाई, दुनिया के बहुत सारे सवाल हैं जिनका हमें जवाब देना है। जवानी में अगर नाम नहीं कमाया तो भाई साहब फिर क्या कमाया। बस थोड़े दिन की बात है, गेम और टेम दोनों पलट जाएंगे। गुरु से सीख के गुरु की इज्जत नहीं करोगे तो पाप के भागी बनोगे। देखो मैं बता दूं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जिसने कुछ भी सिखाया हो आपको जीवन के अंदर, बी थैंकफुल, डोंट बी थैंकलेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माहौल तो दोबारा बनेगा ही, हम जो वापस आ चुके हैं। एक बेर जन्म लिया तब ने गुना लिया। विरासतों के दौलतमंद क्या जाने मेहनत का नशा, जिंदगी वो नहीं जो पुरखों के दम पर जी जाए। अब तो मुझको मेरे हाल में जीने दो, अब तो मैंने तुम पे मरना छोड़ दिया। जिससे आप परिचित हैं वो व्यापारी थे, हम बाहुबली हैं। अब आसपास अगर रिश्तेदार वगैरह मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि इनकी तरह बनो, होता है? हाँ, आज वही अपने रिश्तेदारों को लेकर आते हैं कि यार एक फोटो प्लीज। तुम्हारे अंदर इतनी बर्दाश्त कैसे है, कैसे सह लेते हो सब कुछ? सर कभी मोहब्बत की है आपने? नहीं, कीजिएगा भी नहीं। अगर इस उम्र में भी कहर नहीं मचाया फिर क्या फायदा इस जवानी का। ये माफी मुफी वाला जमाना गया, If you hurt me, चल निकल फिर। उनकी मुझसे जलेगी और भरपूर जलाऊंगा मैं, वो मुझे देखना तक नहीं चाहेंगे और बार बार नजर आऊंगा मैं। जब अपने आप को आईने में देखते हो, कौन देखता है तुम्हें? फाइटर। बेवकूफ है वो लोग जो जलते हैं अपने दोस्तों से। मैं तो चाहता हूँ मेरे दोस्त साले बहुत तरक्की करें। नाम तो किसी का भी चल सकता है, बस चलाने का दम होना चाहिए। अच्छी खासी एज है, अच्छी खासी पर्सनालिटी है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी वर्कआउट ही गलत हो, हम बताएंगे गेम कैसे खेलते हैं। ये माफी मुफी वाला जमाना गया, इफ यू हर्ट मी चल निकल फिर।
कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। I'm telling you, अगर कोई 100 करोड़ वाला भी सामने खड़ा ना, तो कॉन्फिडेंस से हाथ मिलाना, और माइनस 100 करोड़ वाला गरीब भिखारी भी होना, उससे भी वही बात करना। जिस दिन तुमने ये फर्क समझ लिया देश में रहने का, एज ए ह्यूमन बीइंग, आपकी तरक्की को। एक रेस्टोरेंट में बैठा, बोले माल खावा दही बनावा, मगर दही चूरमा गले बना कर पिज्जा कर लेनी, बोले यार मजाक करूंगा, मजाक शालिया गलो अगर जीजा कर लेना। सवेर तो 10 बदाम वधा के प्योने शुरू कर दियो, मैनू लगता हुण जोर परख्या जाना। शरीफ रहोगे तो जमाना फायदा उठाएगा, बदमाश बनोगे तो कोई आंख भी नहीं उठाएगा। आज का टाइम आप अपनी टक्कर में किसने देखो, मैं टक्कर में रही बात देख, ऊ तो है सारे भाई, और टक्कर वाली बात आओ तो आप नहीं मानते किसी ने बाल भी। कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ आएगी, और तकलीफ के बाद ही तो मजा आता है कुछ बनने का। बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाए, ये लो भैया बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा घर, एकदम पैसा उड़ाओ, आपको मजा ही नहीं आएगा लाइफ का। जब आप स्ट्रगल करोगे ना, जब आप कुछ जीरो से कुछ बनोगे, तब आपको मिलेगा यार कुछ तो किया मैंने जिंदगी में, अचीव कुछ तो बना हूं मैं। लाइफ बहुत छोटी है लेकिन स्ट्रगल बहुत बड़े, लाइफ बहुत छोटी होती है, स्ट्रगल बहुत। शौक से जाओ जिसको भी जाना है, अगर वक्त अच्छा रहा तो बहुत से लोग आएंगे, क्योंकि ये मतलब की दुनिया है। अरे यो कह रहो कपड़ा उतार उतार के बॉडी दिखावे, और तो यूं पता हो या के नहीं मैं कितने हजार को खाऊं, और जब मेरी बॉडी है जब ही तो मैं दिखाऊं।